तो हेलो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने गलती से भी क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही स्किप करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि आज एक ऐसी घटना आपको सच्ची घटना बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऑनलाइन में फ्रॉड हो जाता है, तो कैसे होता है, किस तरीके से आप इससे बच सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी अगर ये फ्रॉड हो चुका है तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए वो दोस्तों आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करना, ताकि और भी जो लोग हैं वो ऐसे फ्रॉड से बच सके। क्योंकि आजकल इंडिया के अंदर ये फ्रॉड बहुत ही बढ़ गया है। जो ऑनलाइन कोई NRI पर्सन है वो आपको मैसेज करता है और सारी मतलब बात करता है, और उसके बाद आपसे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। तो आज एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताऊंगा। हमारे एक सब्सक्राइबर है, मतलब हमारे दोस्त है, उनके साथ ऐसा एक फ्रॉड हुआ है। तो कैसे क्या फ्रॉड हुआ है, ज़्यादातर लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और जितने भी आपके रिलेटिव से या सबको आप इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और सभी लोग इस फ्रॉड को मतलब बच सके, ताकि उनके साथ आगे ऐसा फ्रॉड ना हो। ओके, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर है और उनके साथ एक फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन। अब कुछ दिन पहले की बात है कि जब उनको ऑनलाइन कोई अननोन नंबर से मैसेज आता है, और जो मैसेज आता है वो जो नंबर है वो अलग कंट्री का है, मतलब इंग्लैंड का नंबर है। अब दोस्तों, जो इंग्लैंड का बंदा है डॉक्टर है, मतलब अपने आप को डॉक्टर कहता है, डॉक्टर का DP पे फोटो लगाया हुआ है उसकी बेटी को लेकर, और ऐसा फोटो रखा हुआ है, और वो गलती से बंदी को मैसेज करता है। तो देन हमारे जो यहाँ के इंडियन पर्सन को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता है, तो जो महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी पर थोड़ा समझ लेती थी कन्वर्ट करके अपना ट्रांजेक्शन वगैरह यूज़ करके, तो सामने वाला पर्सन लिखता है कि मैंने गलती से आपको मैसेज कर दिया है। उसके बाद थोड़े थोड़े हाई हेलो स्टार्ट होता है उन लोगों का। तो दोस्तों धीरे धीरे उनका हाई हेलो स्टार्ट होता है, थोड़ा अपने बारे में बताता है कि वो डॉक्टर है, वो उसको मतलब बहुत पैसे वाला है, मतलब फोटोज़ वगैरह भेजता है उसकी बेटी वगैरह का, बेटी छोटी दिखा रहा है, मतलब तकरीबन 6-7 साल की उसकी बेटी है, राइट। और उसके बाद बताता है, मतलब इमोशनली आपके साथ टच करता है, मतलब मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ, वो रात को मैसेज करता है। मतलब यहाँ पे जैसे कि इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे जब रात होती है वहाँ पे थोड़ा दिन का टाइम होता है, तो उस टाइम पे वो मैसेज करता है और आपसे थोड़ा बहुत चैटिंग करेगा, थोड़ा मतलब पर्सनल होने का ट्राई करेगा कि मेरी जो वाइफ है वो कैंसर के जरिए मर गई है, और अभी मैं और मेरी बेटी है, और मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, राइट। ऐसा मतलब बात करता है, अपने फोटोज़ लाइफस्टाइल शेयर करता है, ताकि आप लोग उसके बातों में आ जाए। उसके बाद वहाँ का जो नेचर है, थोड़ा बात बात पे आपको लव यू बोलेगा, या थोड़ा मतलब डियर कह के बात करेगा, थोड़ा आपको अपनापन दिखाएगा, थोड़ा इमोशनली टच करेगा आपके साथ, रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करेगा। और ये जो फ्रॉड करने में टाइम लेते हैं, कुछ का महीने, एक महीने के अंदर बात कर लेते हैं, कुछ लोगों का 2 महीने का टाइम लेते हैं, मतलब वो लोगों का बिहेवियर जानते हैं। और उन लोगों को हिंदी आती है, बट आपको ऐसा बोलेंगे कि हमें हिंदी समझ में नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, और प्रॉपरली इंग्लिश में आपसे बात करेंगे। ओके, इन लोगों का पूरा सप्लाई चैन है हर जगह पे, वहाँ इंडिया के बंदों के साथ भी है और वहाँ के बंदों के साथ है, और सब मिलके पूरा ये फ्रॉड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों जब बात हुआ उन लोगों का, काफ़ी टाइम से 2 महीने से बात हो रहा था, हाई हेलो, मतलब सारे लोग बात कर रहे थे, वीडियो कॉल पे भी वो बात कर रहा था, अपनी बेटी को दिखा रहा था, अपना घर दिखा रहा था, राइट, वो काम करता है जॉब पर वो दिखा रहा था, ज़्यादा बात नहीं करता था, बोल रहा था कि अपने आप को डॉक्टर दिखाना है, तो वो कोई भी एक टाइम पे ही मैसेज करता था रात को। ओके, तो इस तरीके से मतलब ये स्टोरी चालू होती है। इसके बाद थोड़े टाइम बाद बोलता है कि मेरी बेटी का बर्थडे आया है। अब दोस्तों बर्थडे आया है तो इसके बाद बोलता है कि हम आज पार्टी रखे, सेलिब्रेट करेंगे, तो मेरी बेटी चाहती है कि आपके लिए भी कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद ले, इस तरीके का, राइट, वो मैसेज करता है। और सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ओके, कि उसकी बेटी क्या है, डॉक्टर का फोटो, उसका हॉस्पिटल कौन सा है। तो अगर आपके पास भी कभी भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो उससे बचना है, ब्लॉक कर देना है, कोई भी बात नहीं करनी है, या अगर आप अपनी लैंग्वेज गाली देके भी बात करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही हरामी और फ्रॉड होते हैं। ओके, तो इन लोगों से बच के रहना है। बाहर का अगर अदर कंट्री में फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए या व्हाट्सअप से आपको अगर मैसेज आता है तो इस पर आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है, चाहे आपको जितना भी लालच दे दे, जितना भी अच्छा लगे। ओके, यहाँ पे दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, जब भी वो बंदा मतलब बोला कि मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मेरी बेटी चाहती है कि आपको मतलब कि एक छोटा सा कोई भी गिफ्ट देने का चाहती है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सामने वाले जो पर्सन थे वो मेरे दोस्त, उन्होंने मना किया कि हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ओके,
देन सामने वाला पर्सन बोलता है कि आपको हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उससे आप खुश नहीं है, मेरी बेटी चाहती है कि आप थोड़ा सा गिफ्ट लो, और जो बंदी है उसकी भी एक छोटी सी बेटी होती है, ओके। तो वो बोल रहा है कि मैं भी मतलब शादी के लिए सोच रहा हूँ कि मेरी भी कोई बेटी को संभाल ले और मुझे भी संभाल रहे, राइट, जैसे कोई मतलब लड़की को खोज रहा हूँ, ऐसे इमोशनली टच करता है आपके साथ। देन वो बोला कि हम लोग खुश है, तो फिर वो ज़बरदस्ती फोर्स करता है, बोला कि आपका एड्रेस मेरे को भेजो, मैं कुरियर के जरिए आपको गिफ्ट छोटा सा भेजना चाहता हूँ। तो देन वो बंदे मतलब भेज देते हैं अपना एड्रेस, आधार कार्ड वगैरह जो भी एड्रेस है जहाँ के भी है, ओके। तो एड्रेस उन्होंने सेंड कर दिया, अब एड्रेस जो सेंड किया था वो कोलकाता का सेंड किया था, ओके। तो कोलकाता का एड्रेस सेंड करने के बाद होता क्या है कि जब वो एड्रेस भेज देते हैं, ओके, चार पाँच दिन बाद उनको कुरियर से मैसेज आता है कस्टमर ऑफिस से दिल्ली कि आपका एक कुरियर आया हुआ है और इसमें बहुत सारे सोने के गहने हैं और डॉलर्स है। और सामने वाला जो पर्सन से मैसेज किया था वो भी मतलब सारा स्क्रीनशॉट भेजा था कि मैंने आपके लिए ये गिफ्ट भेजे हैं, सोने के गहने वगैरह बहुत सारा था और कुछ डॉलर भी भेजे हैं, तो इससे आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। वो टारगेट ऐसे पर्सन को करते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली है, डेटा कहाँ से मिलता है वो कुछ पता नहीं है, बट यहाँ के लोगों के साथ भी उनका लिंकअप होता है, ओके। तो डेटा वगैरह खरीद के वो लोग टारगेट पर्सन को टारगेट करते हैं। देन उन्होंने सबको मैसेज किया, मतलब वो सारे स्क्रीनशॉट भेजे कि मैंने आपके लिए ये चीज़ें भेजी है और आपको स्क्रीन में मैं दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उन लोगों ने भेजी थी गिफ्ट में। तो सारी चीज़ें भेजने के बाद वो बोलते हैं कि आप को एक कुरियर आ जाएगा तो आप ले लेना, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी और इसमें मैंने हिडन में कुछ पैसा भी रखा है तो उससे आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब दोस्तों ये चीज़ होने के बाद कस्टमर ऑफिस से कॉल आता है दिल्ली एयरपोर्ट से, वो भी दोस्तों फेक कॉल होता है, बट वहाँ से लड़की को कॉल करती है कि आपका कुरियर आया है और इसमें डॉलर्स है, तो इसके लिए आपको लॉन्ड्री लाइसेंस बनाना पड़ेगा और इसके लिए आपको 35,000 रुपये देना पड़ेगा, ओके। क्योंकि इसमें अगर आपके गहने वगैरह है वो तो आप ले जा सकते हो, पर आपको भी पता है अगर आप कोलकाता के बंदे हैं तो आप दिल्ली जाने वाले नहीं हो, या कुछ लोग जाते भी है, राइट, मतलब ज़्यादा लालच में आ जाते हैं, या कोई भी पर्सन हो अगर कोई ऐसा 2 महीने से बात कर रहा है, जेन्युइन पर्सन वीडियो कॉल में भी आपके साथ बात किया है, सारा प्रूफ भेजता है कि मैंने एरोप्लेन में पूरा कुरियर रख दिया है, यहाँ से ये सामान खरीदा है, तो आप भी राइट एक टाइम सोचेंगे कि भाई बंदा जेन्युइन है, चलो देख लेते हैं जाने से ज़्यादा क्या होगा, अपना जो फ्लाइट का टिकट है ट्रेन का टिकट है वही लॉस होगा, राइट, तो जाके एक बार देख लेते हैं डॉलर्स वगैरह है तो उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है इंडियन करेंसी में। तो उन्होंने भी ऐसा सोचा बट टिकट करवाने वाले थे, राइट, बट यहाँ पे पहले उन्होंने बोला कि आपको 35,000 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद राइट ये आपको मिलेगा सामान वगैरह। तो उन्होंने क्या किया कि ये वेरीफिकेशन के लिए 35,000 रुपये फीस है, वो जो बंदे ने अकाउंट दिया था कैनरा बैंक का अकाउंट था, और क्या अकाउंट का डिटेल था वो मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा, उस अकाउंट में उन्होंने स्लिप 35,000 बैंक में जाके बाकायदा डिपॉजिट करवा दिए और स्लिप भेज दी, ओके। देन सामने वाली बंदी कॉल रिसीव करती है, बात करती है दिल्ली से, यहाँ आपका पेमेंट आ गया है और अभी आपको एक लॉन्ड्री लाइसेंस बनाना पड़ेगा, आप दागिने वगैरह तो ले जा सकते हो बट इसमें जो डॉलर्स है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और आपने फर्स्ट टाइम बाहर से जो मंगाया है तो इसके लिए आपको एक लॉन्ड्री लाइसेंस बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको 140,000 रुपये देना पड़ेगा, ओके। अब 140,000 रुपये है वो बहुत बड़ी अमाउंट है, देन उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया तो मैंने सारा ये इन्फॉर्मेशन निकाला। ऐसे और भी आपको YouTube पर वीडियो मिल जाएंगे जिन लोगों के साथ 14-14 लाख का, 15 लाख का, 2 लाख का, 35,000 का, 40,000 का फ्रॉड हो चुका है, ऐसे हज़ारों लोगों के साथ इंडिया में फ्रॉड कर चुके हैं लोग, ओके। तो इनके साथ भी मतलब इन्होंने 35,000 भेज दिया, देन मैंने उनको बताया कि अब एक भी रुपया मत देना और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड है। देन उन्होंने गालियाँ वगैरह दी बट कुछ कर नहीं सकते थे, बट इसका सीधा सा रास्ता है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको सिंपल करना क्या है, नज़दीकी जो भी आपके यहाँ पुलिस स्टेशन है, ओके, वहाँ पे साइबर क्राइम ब्रांच होता है, वहाँ जाके आप साइबर क्राइम में जो भी फ्रॉड हुआ है उसका पूरा दीजिए डिटेल और कंप्लेन कर दीजिए, ओके। तो वो जो अकाउंट है जिसके भी अकाउंट में पैसा गया है वो इंडिया का अकाउंट है तो उसका जो अकाउंट है फ्रीज हो जाएगा, अगर वो बंदा पैसा नहीं निकालता है अकाउंट से और फ्रीज हो जाता है तो वहाँ से आपका जो पैसा है वो आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा। मतलब पैसा कैसे मिलेगा, आपको साइबर क्राइम में कंप्लेन करना है, साइबर क्राइम में जैसे कंप्लेन जाएगा उसके बाद वो लोग आपको कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को बोलेंगे, कोर्ट में आप अर्जी करेंगे, उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आएगा और ऑर्डर आने के बाद जो पुलिस है नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन था आपका एरिया का, वो लोग उस ऑर्डर को बैंक में देंगे जिस भी बैंक में पेमेंट हुआ था कैनरा बैंक में, देन वो बैंक वहां से पेमेंट रिवर्स करके आपके अकाउंट में भेज देगी। तो ये सिंपल सा रास्ता है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने बैंक में जा सकते हो, जिस भी बैंक से आपने पेमेंट किया है उन लोगों को स्टोरी सुना के बोल सकते हो कि मेरे से गलत अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो गया है, तो पेमेंट रिवर्स का भी एक प्रोसेस होता है वो आप कर सकते हो, उसके लिए फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है
बट उस चीज़ को भी आपको एक बार ट्राई करके देख लेना, क्या पता आपका जो पेमेंट है वो आपको रिवर्सल मिल जाएगी। बट ये चीज़ आपको जब भी फ्रॉड होता है उसी दिन सेम टू सेम करना है, वरना वो सामने वाला जो पर्सन है अकाउंट में से पैसा निकाल देगा और आपका जो पैसा है वो कभी आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग को पकड़ नहीं सकते। कुछ लोग बाहर के होते हैं, कुछ लोग इंडिया के होते हैं और सब मिलके ये फ्रॉड करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, YouTube में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए अगर आपके भी साथ ऐसा कभी हुआ है, और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। तो जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को हम पकड़ सकते हैं। बंदे का आपको मैं सारा स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वो कैसा दिखता है, कौन सा हॉस्पिटल का नाम देता है, उसकी बेटी कैसी दिखती है, राइट। ये स्टोरी मोस्ट ऑफ पीपल को सुना चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है। तो आप लोग बच के रहिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग इस फ्रॉड से बच सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू।